हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दांतों की सेंसिटिविटी को ठीक करने का घरेलू इलाज बताऊंगी। दांतों की सेंसिटिविटी का कभी ना कभी सभी को सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ भी ठंडा या गर्म खाने पर दांतों में तेज़ झनझनाहट और दर्द महसूस होता है। बहुत ही आसान सा उपाय है जिसको आप अपनाते ही 2 से 3 दिन में आपके दांतों के दर्द में आराम मिल जाएगा। इसके लिए हम बनाएंगे फिटकरी का मंजन। इसके लिए लेंगे फिटकरी या अलम लेंगे 250 ग्राम और लौंग लेंगे 10 से 12। इसे बना करके आप शीशे के जार में रखिए। ये कम से कम 2 से 2.5 साल तक तो आराम से चलता है और जब भी महसूस हो लगाइए और आराम पाइए। इन दोनों को साथ में भूनना है। सबसे पहले एक तवा लेंगे, तवे को बहुत अच्छी तरह से सुखा देंगे, पानी इसमें ज़रा भी नहीं होना चाहिए। तवा लोहे का हो, ध्यान रहे नॉनस्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो लोहे के तवे पे इसे बनाएंगे। फिटकरी इस पे रखेंगे भूनने के लिए। हला देंगे और साथ में साइड में लौंग रख देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। देखिए ये पिघलने लग गया है, बिल्कुल चीनी की तरह ये पिघल जाएगा, पूरी तरीके से पिघल रहा है। अब ये पूरी तरह से पिघल गया है, इसे इसी तरह से लो फ्लेम पे रखना है। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप ज़रूर यूज़ कीजिए इसे। अब देखिए ये पूरी तरह से पिघल गया है, साइड में भी साइड से ये कड़ा हो गया है और बीच में अभी थोड़ा बाकी है। सख्त हो गया है साइड में, इसी तरह से सारा करना है। बीच में सॉफ्ट है अभी और साइड कड़ा है, तब तक भूनना है जब तक पूरी तरह से अंदर तक ये सख्त ना हो जाए। अभी काफ़ी हद तक हो गया है, देखिए बीच में अभी थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ी देर और इसे भूनना है लो फ्लेम पे। अभी पूरी तरह से हो गया है, बीच में थोड़ा सॉफ्ट है तो कोई बात नहीं। पूरी तरह से कड़ा हो गया है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये बिल्कुल देखिए कड़ा हो गया है, इसे निकाल लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद से इसे तोड़ देंगे। टूट के ये इस तरह से हो जाएगा। अभी थोड़ा हल्का गुनगुना है, ठंडा होने देंगे इसे। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक जार में रख करके इसे ग्राइंडर में इसे बारीक पीस लेंगे। ये पीस गया है, बिल्कुल पाउडर जैसा बन गया है बारीक। अब इसे किसी जार में भर के रखिए और जब भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है आप लगाइए, थोड़ी देर रख करके आप कुल्ली कर लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। कम से कम 2 टाइम तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपको मेरा ये उपाय पसंद आता है
तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।